हमीरपुर के गांधी चौक पर आए दिन होने वाले कार्यक्रमों से लोगों को असुविधा होती है तो बाजार में दुकानदारी भी प्रभावित होती है। गत दिवस भोरंज की एक निजी यूनिवर्सिटी के डांस कार्यक्रम को व्यापार मंडल के सदस्यों ने आकर बंद करवाया। डांस कार्यक्रम को बंद करवाने को लेकर व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ आयोजकों की भी काफी तनातनी हुई, जिस कारण माहौल गर्मा गया। बाद में पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर बयान कलमबंद भी किए गए। हमीरपुर के गांधी चौक आए दिन होने वाले कार्यक्रमों से लोगों की असुविधा होती है तो बाजार में दुकानदारी भी प्रभावित होती है। गत दिवस भी भोरंज की एक निजी यूनिवर्सिटी के डांस कार्यक्रम को व्यापार मंडल के सदस्यों ने आकर बंद करवाया। डांस कार्यक्रम को बंद करवाने को लेकर व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ आयोजकों की भी काफी तनातनी हो गई, जिसके कारण माहौल गर्मा गया। बाद में पुलिस के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर बयान कलमबंद किए हैं। हुआ यूं कि निजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 3:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक SDM कार्यालय से परमिशन ली हुई थी, लेकिन 5:30 बजे तक पूरे जोर से DJ के बजने पर बाजार के दुकानदार मुकर हो गए। जब इसकी शिकायत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से की तो तुरंत व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर पहुंचकर चल रहे कार्यक्रम को बंद करवाया। व्यापार मंडल हमीरपुर के महासचिव अश्विनी जगोता ने कहा कि 5:30 बजे तक गांधी चौक तक कार्यक्रम की परमिशन थी, लेकिन 5:30 बजे के बाद भी जोर से DJ बज रहा था। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के द्वारा जिला प्रशासन से भी इस बाबत बात की जाएगी ताकि इस तरह के कार्यक्रमों से दुकानदारों को परेशानी ना हो। तो बजाओ, लेकिन जिस वॉल्यूम पिच की आपने परमिशन ली कम से उसी में बजाओ। हाई पिच में बजाओगे तो आसपास की शॉप्स हैं, वहाँ बुजुर्ग लोग भी हैं। टाइम के ऊपर व्यापार मंडल टाइम इनका था 3:30 से 5:30, तो 5:30 हो गए हैं। उसमें कैसे पता लगेगा कि कितना हाई फ्रिक्वेंसी का है? अरे आप लोगों को कैसे पता लग रहा है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी बज रहा है? आता है भाई साहब इसमें। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।